गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। मामले में अभी तक कुल 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं पर अगर बात करें तो मामले में एसएसपी का कहना है कि दुष्कर्म की जो पीड़िता है उसके साथ न्याय किया जाना चाहिए, यानी कि ये एक दुष्कर्म का मामला जो है वो यहाँ पर लक्सर से निकलकर सामने आया, हरिद्वार की लक्सर कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र के अंदर से, जहाँ पर कि अब अभी तक कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं पर 3 और नए नई गिरफ्तारियां जो है वो निकल कर सामने आई है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ प्रवीण ज्वाइन कर चुके हैं। प्रवीण, बताइएगा क्या है ये पूरा मामला? देखिए बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि लक्सर कोतवाली क्षेत्र से मैं लगभग एक सप्ताह पूर्व एक जो नाबालिग पीड़ित थी उसने लक्सर कोतवाली में एक तहरीर दी थी कि मेरे साथ एक दुष्कर्म का मामला जो प्रकाश में आया था, और उसमें लगभग 8 आरोपियों के खिलाफ जो उसके चाचा है उन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया था जिसमें पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही थी, और पुलिस की जो छानबीन थी छानबीन में ये तथ्य सामने आए थे कि जो लड़की का जो मुंह बोला चाचा है उसने कुछ अपनी पुरानी रंजिश के चलते जो 8 नाम जो लोग थे उनमें से 3 लोगों को ऐसे थे जो उससे किसी का वास्ता मतलब नहीं था। जी किस तरीके की कार्रवाई अभी इन पर चल रही है और पीड़िता का जो परिवार है उनका क्या कुछ कहना है? क्या उन्हें न्याय जो है वो लगातार मिल रहा है या फिर नहीं? देखिए सुविधन बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जो पीड़िता है, जो पीड़िता थी नाबालिग है, उसकी जो माता है उसका जो स्वास्थ्य वो खराब रहता और उसका दिमाग की हालत भी सही नहीं थी, और वो स्टेशन वगैरह में इधर भटकती रहती थी, और जो उसका एक मोह बोला मामा था वो उसको अपने गांव ले आया था, और उसी के चलते लगभग जो पीड़िता है वो एक माह से अपने मामा के पास रहती थी, और गाँव के जो 8 युवक थे उन्होंने उसके साथ एक गैंगरेप की जो घटना थी उसको अंजाम दिया गया था। लेकिन इसमें एक बड़ा सवाल ये है कि जो उसके मुंह बोले चाचा लगते थे उनका एक पुराना विवाह चला था जो गांव में था काफी लंबे समय से, उन्होंने उस लड़की को गुमराह करके जो उनके उसमें मामले में जो दोषी थे जिनके साथ वो पुराना मामला उसमें उन वो 3 लोगों को उसने नामजद किया था, जबकि जो पुलिस है पुलिस ने जो छानबीन की छानबीन में जो मामला तथ्य सामने है उसमें जो पीड़िता द्वारा जिन लोगों को नामजद किया था उनमें से 3 लोगों को लक्सर कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन साथ ही साथ जो पुलिस की जांच थी, जांच में जो हमारे कप्तान है परमिंदर डोभाल उनके द्वारा जो दिशा निर्देश गए थे जो भी है उसमें सच्चाई सामने आनी चाहिए, क्योंकि गैंगरेप का बड़ा मामला था और 8 लोग नामजद थे, उसी के चलते जो छानबीन की गई तो उसमें जो 3 लोग है 3 लोग जो दोषी पाए गए और बाकी जो नामजद उसमें उनमें तलाश भी की जा रही है कि और उसमें दोषी कितने हैं उनको भी जेल भेजने का पुलिस काम कर रही है। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए प्रवीण। जहाँ पर प्रवीण सैनी हमें अपडेट कर रहे थे कि लगातार यहाँ पर लक्सर हरिद्वार की जो पुलिस है उनके द्वारा एक बहुत ही बड़ा मामला जो है जिस पे तहकीकात की जा रही है, जिसमें कि एक दुष्कर्म का मामला निकल कर सामने आया, जिसमें कि अभी तक अगर बात करें तो 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे, हल्द्वानी की ओर ले चलेंगे। हल्द्वानी पहुंचे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बनभूलपुरा दंगे के न्यायिक जांच की मांग राज्य सरकार से की है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा है कि इस पूरे घटनाक्रम की न्यायिक जांच हो, जिसके पीछे जिन लोगों का भी हाथ हो उनको सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा को तत्काल लाभ न देखकर राज्य के दीर्घकालिक लाभ को देखना चाहिए, ऐसे में इस पूरे मामले की जांच हो ताकि असल दोषी लोग पकड़े जाएं। उन्होंने कहा कि जिसने गलतियां की हैं उन्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ये घटना पहले से निर्धारित थी या फिर नहीं। वहीं पर लोकसभा चुनाव को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि जनता 10 सालों के बाद परिवर्तन का मूड बना चुकी है। जनता 10 साल बाद परिवर्तन का मानस बनाए हुए है, और यदि जनता ने परिवर्तन का मानस बना लिया है तो परिवर्तन अवश्य संभावी है, और मैं जो परिवर्तन की शक्तियां हैं उनके ऊपर कहाँ क्या उथल पुथल हो रही है, कौन क्या चकर मकर कर रहा है, उसका कोई असर पड़ने नहीं जा रहा है, क्योंकि जो परिवर्तन की शक्तियां हैं वो परिवर्तन के लिए काम करेंगी। और 2014 में हमने देखा, 2004 में हमने देखा, जब जब परिवर्तन की धारणा बनती है तो फिर जनता अगुवाई करती है। ये 2024 में भी परिवर्तन के लिए जनता अगुवाई करेगी। जांच कर रहा हूँ, उच्च स्तरीय न्यायिक जांच की मांग कर रहा हूँ, तो मैं किसी को पहले कटघरे में नहीं रखूंगा। ये काम हम उस जांच के ऊपर छोड़ना चाहेंगे, और मैं
मुख्यमंत्री जी से भी कहना चाहूंगा कि यदि भाजपा तत्कालिक लाभ न देखे तो राज्य के दीर्घकालिक हित में आवश्यक है कि इस घटना की उच्च न्यायिक जांच हो, ताकि असली कारण भी समझ में आ जाए और असली गुनाहगार भी सामने आ जाए। कोई किसी को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा है, जिन्होंने गलतियां की हैं उनको दंड मिलेगा, लेकिन सवाल यह है कि ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक बिल्कुल निर्धारित स्क्रिप्ट के तहत सब चीजें हुई। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हुई हिंसा में पुलिस के 6 और दंगइयों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि एसएसपी प्रहलाद मीना ने जानकारी देते हुए बताया कि पकड़े गए 6 दंगई मुखानी थाने की गाड़ी चलाने और नगर निगम कर्मचारियों पर हमला करने में शामिल थे। पुलिस अब तक लगभग 75 दंगइयों को गिरफ्तार कर चुकी है। इसके अलावा एसएसपी ने कहा है कि घटनास्थल के आसपास रहने वाले जो लोग अपने घर पर बंद कर फरार हैं, उनको तलाश करने के लिए भी पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। ये किस तरह के शामिल थे? देखिए, जो 3 FIR हम लोगों ने बनपुरवा क्षेत्र में जो घटना हुई उसमें की थी, तो आज 2 FIR में, 1 FIR जिसमें मुखानी थाने गाड़ी जलाई गई थी और दूसरी FIR जिसमें नगर निगम के कर्मचारियों के ऊपर हमला हुआ और उनके कुछ सामान को जलाया गया था। इन दोनों मामलों में हमने 3 अभियुक्त और गिरफ्तार किए गए हैं। आज जो मुखानी थाने की जो गाड़ी जलाई गई थी उसमें कुछ लोग CCTV में हमने फाइंड आउट किए हैं और ये लोग उस टाइम जो आगजनी और जो पत्थरबाजी थी उसमें शामिल थे। बाकी जो 3 लोग हुए हैं, इन लोगों ने मौके पर आके नगर निगम के कर्मचारियों के साथ में धक्का मुक्की की और इनके द्वारा उनके ऊपर पथराव किया गया और जो नगर निगम की संपत्ति है वो जलाने की कोशिश की। जो घर बंद है सर, उनका कब तक जलाने लोगों पे जो गिरफ्तारी के लिए क्या कुछ प्रयास आप लोग कर रहे हैं? देखिए, इस घटना के बाद में कुछ इस तरीके का डाटा हमारे पास आया है कि कुछ लोग यहाँ से चले गए हैं। अब हम देख रहे हैं कि लोग क्यों गए हैं और जो लोग गए हैं उनकी कितनी जो दंगे में और उपद्रव में संलिप्तता है। STF ने देश में M2M सिम के माध्यम से अपराध का खुलासा किया है। STF की साइबर क्राइम पुलिस टीम ने फर्जी सिम कार्डों की अब तक की सबसे बड़ी बरामदगी की है। STF के करीब 45,000 फर्जी सिम बरामद किए गए। वहीं पर आपको बता दें कि STF SSP आयुष अग्रवाल ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि STF की टीम ने 80 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया और साथ ही साथ एक आरोपी को चांदनी महल क्षेत्र दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। STF SSP ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी से हजारों की संख्या में फर्जी कंपनी के नाम से लिए गए करीब 1 लाख और लगभग अगर बात करेंगे तो 2 लाख रुपए के सिम कार्ड जो है वो बरामद किए गए हैं। कुछ दिनों पूर्व हमारे जो साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन देहरादून में है, यहाँ पर एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें कि शिकायतकर्ता के साथ में शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के नाम पर 80 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई थी। तो इसमें हमारे द्वारा FIR रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी और इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही इसमें जो हमने कल देर रात दिल्ली से एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है और इसमें जो बड़ी संख्या में लगभग 3,000 सिम कार्ड इसके पास से बरामद किए गए हैं। इसने बेसिकली एक फर्जी फर्म खोली थी और उस फर्म के नाम पर इसने दिखाया था कि ये जो फर्म है ये CCTV इंस्टॉलेशन का काम करती है और उसके लिए इनको CCTV में जो कि डेटा ट्रांसमिशन के लिए सिम की रिक्वायरमेंट होती है, तो इन्होंने टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करके बल्क में सिम वहाँ से परचेज की। अभी तक जो जानकारी में आया, लगभग 45,000 सिम इसकी जो एक फर्म है, फर्जी फर्म, उसके नाम पर इसने पिछले 2-3 महीने के अंदर में परचेज की है और उन सभी सिम को ये आगे भेज देता था जिन पर कि व्हाट्सएप एक्टिवेट किया जाता था और उनके माध्यम से लोगों को एंटाइज करके और उनको इन्वेस्टमेंट के नाम पर उनके साथ में धोखाधड़ी की जाती थी। उनमें से एक प्रकरण हमारा शिकायतकर्ता का था, बाकी इसके पास से जो 45,000 सिम कार्ड का डेटा मिला है, ये मुझे लगता है कि सबसे बड़ी रिकवरी अभी तक सिम कार्ड्स की है। चार धाम यात्रा जो कि 1 मई से लगभग शुरू हो जाएगी, उसको लेकर परिवहन विभाग अपनी तैयारी में लगा है, जिसको लेकर RTO सुनील शर्मा ने कहा कि 2024 में होने वाली चार धाम यात्रा को लेकर परिवहन विभाग अपनी तैयारी कर रहा है, जिसके तहत ऑनलाइन सुविधा में चार धाम की वेबसाइट पर जाकर ग्रीन कार्ड
और ट्रिप कार्ड की साइट को बैकहैंड पे तैयार कर लिया गया। बता दें कि जैसे कि ओवरलोड होने के कारण वेबसाइट हैंग ना हो जाए। साथ ही उन्होंने आगे कहा है कि चेकिंग के लिए हाईटेक पोस्ट लगाए गए जिसके माध्यम से चेकिंग की जाएगी, उसका भी ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि जो वाहन ऋषिकेश हरिद्वार से चलने हैं उनके यूनियन से वार्ता चल रही है। देखिए, ये पिछले 3-4 महीनों से ढीला जो हमारा क्षेत्र है उससे सटे जो गांव हैं उसमें लगातार भाग द्वारा ये हमले किए गए। हम पिछले 2 महीनों से इसको ट्रैक कर रहे थे और अभी जो 17 तारीख को जो घटना घटी है ढीला में उसके बाद इसको चिन्हित भी हमने कर लिया था। पहले लगातार ये क्षेत्र में दिखाई दे रहा था लेकिन डिस्टर्बेंस होने के कारण इसको पहले पकड़ा नहीं जाता था। कल देर रात एक ऑपरेशन हमने चलाया, परसों से इसकी प्रेजेंस क्षेत्र में बनी हुई थी और कल लगभग 12:30 बजे रात में इसको ट्रैंकलाइज किया गया और उसके बाद इसको ढीला रेस्क्यू सेंटर ले जाया गया। हाँ, देखिए ये एक टेक्निकल पक्ष होता है, तकनीकी पक्ष होता है जिसमें जो बाघ है उसके DNA सैंपल हम लोग CCMB हैदराबाद भेजते हैं और साथ ही साथ पुराने जो सैंपल्स हैं DNA के उससे इसका मैच कराया जाएगा और उसके बाद ये साइंटिफिकली भी हम लोग एस्टैब्लिश करेंगे कि ये वही बाघ है जिसके द्वारा ये घटना है। हमने जो ट्रैकिंग करी है उसका क्षेत्र लगभग तीनों घटनाओं का जो आपस में जो दूरी है वो लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर के आसपास की है एरियल डिस्टेंस। तो ये बाघ का मूवमेंट उस क्षेत्र में लगातार बना हुआ है। ऐसा नहीं है उस क्षेत्र में इससे अतिरिक्त और कोई बाघ नहीं है लेकिन इसकी प्रेजेंस लगातार उस क्षेत्र में देखी जा रही थी और कल जहां से इसको ट्रैंकलाइज किया गया है ये वही घटना स्थल है जहां पर 17 तारीख की घटना घटित हुई है। अब DNA सैंपलिंग कराने के बाद हम लोग इस पर फिर इस पर पुष्टि हो जाएगी। देखिए, आपके माध्यम से हम अभी भी स्थानीय ग्रामीणों से यही अपील करना चाहते हैं कि क्षेत्र में उस क्षेत्र में बाघों की उपस्थिति लगातार बनी हुई है, वो टूरिज्म जोन के अंदर आता है। अभी भी हमें पूरी सावधानी बरतने की जरूरत है, हमारी टीम्स लगातार मौके पर बनी रहेंगी, हमने कैमरा ट्रैक भी यथावत रखे गए हैं ताकि उस क्षेत्र में हम टाइगर्स के मूवमेंट को ट्रैक करें। इसके अलावा जो स्कूलों को बच्चों को लाने ले जाने की जो हमारी स्कॉट थी वो भी लगातार अभी काम करेगी। हमने क्षेत्र में हाथियों की गश्त भी प्रपोज की है ताकि उस क्षेत्र में ऐसे एरिया को भी हम लोग ट्रैक करें। उत्तराखंड मौसम विभाग द्वारा मौसम का पूर्वानुमान जारी किया गया है। इसको लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने निदेशक जो है विक्रम सिंह, उन्होंने बताया कि 22 तारीख को बारिश और बर्फबारी कम देखने को मिलेगी। उन्होंने बताया कि इसके बाद मौसम साफ ही देखने को मिलेगा। लेकिन अधिक स्वागत है आप सबका इस छोटी सी ब्रेक के बाद, तो अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ढेला रेंज के अंतर्गत पड़ने वाले पंजाबपुर क्षेत्र में कुछ दिन पूर्व 50 वर्षीय कला देवी को निवाला बनाने वाले हमलावर बाघ को देर रात कॉर्बेट प्रशासन के वरिष्ठ डॉक्टरों की टीम ने ट्रैंक्यूलाइज किया है। बता दें कि कॉर्बेट पार्क के ढेला रेंज के अंतर्गत पड़ने वाले पंजाबपुर क्षेत्र में कुछ दिन पूर्व क्षेत्र की एक ग्रामीण महिला अपनी अन्य साथियों के साथ जंगल में लकड़ी लेने के लिए गई थी और इसी बीच 50 वर्षीय कला देवी को बाघ ने हमला करते हुए उसे 2 किलोमीटर जंगल के अंदर घसीट कर ले गया। इसकी सूचना महिला के साथ लकड़ी लेने जा रही अन्य महिलाओं द्वारा गांव में आकर ग्रामीणों के साथ मृतक कला देवी के परिजनों को दी गई, जिसके बाद की लगभग 2 किलोमीटर अंदर ग्रामीणों और पार्क प्रशासन द्वारा महिला का शव बरामद किया गया। वहीं पर सावलंदे ढेला और पटरानी क्षेत्र में बीते कुछ महीने से चौथी घटना होने के बाद ग्रामीणों का रोष भंग भी हो चुका है। इसके बावजूद पार्क के डॉक्टरों की टीम बाघ को ट्रैंक्यूलाइज करने में जुटी है और देर रात हमलावर बाघ को पार्क के वरिष्ठ डॉक्टर दुष्यंत शर्मा और उनकी टीम द्वारा ट्रैंक्यूलराइज कर दिया गया। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा में अगर बात करेंगे तो 50वें विज्ञान मेले का आयोजन किया गया जिसमें कि राज्य भर से आए हुए किसानों ने प्रतिभाग किया। मेले का उद्घाटन वैज्ञानिक चयन मंडल नई दिल्ली के अध्यक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर संजय कुमार ने किया। उन्होंने स्टॉलों का निरीक्षण कर कृषि वैज्ञानिक और किसानों से बातचीत की। बता दें कि बोसी सेन द्वारा स्थापित विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा अपनी शताब्दी वर्ष मना रहा है।
मेले की अध्यक्षता कर रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद अजय टमटा ने काश्तकारों को सम्मानित भी किया। देहरादून स्थित पुनीत गाबा अपार्टमेंट सीमा द्वार के पास देर रात घरेलू सामान में भीषण आग लग गई। फायर स्टेशन देहरादून को सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया और बताया जा रहा है कि रसोई घर से सिलेंडर को तत्काल निकाल दिया गया, जिसके रहते एक बड़ा हादसा होने से बच गया। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता आमिर खान अपनी पत्नी किरण और बेटे आजाद के साथ मसूरी के प्रसिद्ध स्कूल वुडस्टॉक पहुंचे, जहां उन्होंने अपने प्रशंसकों के साथ जमकर फोटो खिंचवाई और ऑटोग्राफ दिए। इस दौरान स्कूल के बच्चों में आमिर खान को घेर लिया और उनके साथ फोटो खिंचवाई और आमिर खान ने भी अपने प्रशंसकों को निराश नहीं किया। बता दें कि इस दौरान आमिर खान ने मीडिया से दूरी बनाए रखी। बताया जा रहा है कि आमिर खान अपने बेटे आजाद के दाखिले के सिलसिले में मसूरी पहुंचे। कड़ी सुरक्षा के बीच आमिर खान छावनी परिषद स्थित होटल रॉक भी पहुंचे, जहां पर उनसे मिलने के लिए प्रशंसकों की भीड़ जमा हो गई। इस दौरान उन्होंने स्कूल के प्रिंसिपल से भी मुलाकात की और स्कूल की पठन पाठन के बारे में जानकारी ली। ২০২৪ के लोकसभा चुनाव को धार देने की तैयारी में भाजपा जुट गई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 28 फरवरी को उत्तराखंड आ रहे हैं। भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि भाजपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। 28 फरवरी गढ़वाल और कुमाऊं में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर भाजपा के कार्यकर्ता तैयारी में जुट चुके हैं। उनका कहना है कि लोकसभा चुनाव को लेकर जेपी नड्डा उत्तराखंड, जिसमें कि कार्यकर्ताओं में जोश भरने और उत्तराखंड में पार्टी को मजबूती देने के लिए उनके द्वारा यहाँ पर महत्वपूर्ण रहने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेता उत्तराखंड के दौरे पर आगामी समय में आने प्रस्तावित है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी का 28 फरवरी को दौरा प्रस्तावित है। गढ़वाल और कुमाऊं दोनों क्षेत्र में उनके कार्यक्रम